प्यारे दोस्तों, रट्टा नवार जी के ट्रिक्स के इस पार्ट में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं रजिया सुल्तान के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। रजिया सुल्तान गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश की पुत्री थी। इल्तुतमिश ने अपने कार्यकाल में ही रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। इल्तुतमिश ने सिक्कों पर रजिया का नाम भी अंकित कराया था। इल्तुतमिश पहला ऐसा शासक था जिसने अपने बाद किसी महिला को उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। रजिया से पहले उसके बड़े बेटे को उत्तराधिकारी के रूप में तैयार किया गया, परंतु दुर्भाग्यवश उसकी अल्प आयु में ही मृत्यु हो गई। मुस्लिम वर्ग को इल्तुतमिश का किसी महिला को वारिस बनाना नामंजूर था, इसलिए उसकी मृत्यु के पश्चात उसके छोटे बेटे रुकनुद्दीन फिरोज शाह को राज सिंहासन पर बैठाया गया। रुकनुद्दीन फिरोज शाह का शासन बहुत ही कम समय के लिए था। इल्तुतमिश की विधवा शाह तुर्कान का भी शासन पर नियंत्रण नहीं रह गया था। विलासी और लापरवाह रुकनुद्दीन के खिलाफ जनता में इस सीमा तक आक्रोश उमड़ा कि 9 नवंबर 1236 को रुकनुद्दीन तथा उसकी माता शाह तुर्कान की हत्या कर दी गई। रुकनुद्दीन का शासन मात्र 6 माह का था। इसके पश्चात सुल्तान के लिए अन्य किसी विकल्प के अभाव में मुसलमानों को एक महिला को शासन की बागडोर देनी पड़ी। इस प्रकार रजिया सुल्तान दिल्ली के सिंहासन पर बैठी। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की प्रथम तुर्क महिला शासक थी। रजिया सुल्तान दिल्ली की जनता और अमीरों के सहयोग से राज सिंहासन पर बैठी थी। चूंकि रजिया को सुल्तान बनाने का अधिकार केवल दिल्ली के अमीरों के पास था, इसलिए अन्य अमीर तुर्क जैसे निजाम जुनेदी, अलाउद्दीन जानी, सैफुद्दीन कूची, कबीर खां और इज़ुद्दीन सलारी आदि रजिया के प्रबल विरोधी बन गए। लेकिन रजिया ने कबीर खां और इज़ुद्दीन सलारी को अपनी तरफ करके उस विद्रोह को सफलतापूर्वक कुचल दिया। शासन कार्यों में रजिया की रुचि अपने पिता के शासन के समय से ही थी। सुल्तान की शक्ति एवं सम्मान में वृद्धि करने के लिए रजिया ने अपने व्यवहार में परिवर्तन किया। गद्दी संभालने के बाद रजिया ने रीति रिवाजों के विपरीत पुरुषों की तरह सैनिकों का कोट और पगड़ी पहनना पसंद किया। रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग कर दिया और पुरुषों की तरह चौगा और टोपी पहनकर खुले चेहरे के साथ दरबार में जाने लगी। बल्कि बाद में रजिया सुल्तान ने युद्ध में भी बिना नकाब पहने ही शामिल होना शुरू कर दिया। रजिया अपनी राजनीतिक समझदारी और नीतियों से सेना तथा जनसाधारण का ध्यान रखती थी। वह दिल्ली की सबसे शक्तिशाली शासक बन गई थी। रजिया और उसके सलाहकार याकूत के साथ विकसित हो रहे अंतरंग संबंध की बात मुसलमानों को पसंद नहीं आई। रजिया ने इस पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया, किंतु इस संबंध के परिणाम को कम आंकना उसके राज्य के लिए घातक सिद्ध हुआ। कुछ स्रोतों के अनुसार रजिया और याकूत प्रेमी थे, अन्य स्रोतों के अनुसार वे दोनों करीबी दोस्त या विश्वास पात्र थे। इन सब बातों से रजिया ने तुर्की वर्ग में अपने प्रति ईर्ष्या को जन्म दे दिया था, क्योंकि याकूत तुर्क नहीं था और उसे रजिया ने अश्वशाला का अधिकारी नियुक्त कर दिया था। भटिंडा के राज्यपाल इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया ने उन प्रांतीय राज्यपालों के साथ मिलकर जिन्हें रजिया का आधिपत्य नामंजूर था विद्रोह कर दिया। रजिया और अल्तुनिया के बीच युद्ध हुआ जिसमें याकूत मारा गया और रजिया को बंदी बना लिया गया। मौके की नजाकत को समझते हुए रजिया ने अल्तुनिया से शादी कर ली। इस बीच रजिया के भाई मुइजुद्दीन बहराम शाह ने सिंहासन हथिया लिया। अपनी सल्तनत की वापसी के लिए रजिया और उसके पति अल्तुनिया ने बहराम शाह से युद्ध किया जिसमें उनकी हार हुई। उन्हें दिल्ली छोड़कर भागना पड़ा और अगले दिन वो कैथल पहुंचे जहां उनकी सेना ने उनका साथ छोड़ दिया। वहां जाट संघर्ष में 14 अक्टूबर 1240 को रजिया और अल्तुनिया दोनों मारे गए। बाद में बहराम शाह को भी अयोग्यता के कारण गद्दी से हटना पड़ा। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया है तो हमें कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चाहते हैं हमारी आने वाली नई वीडियो सबसे पहले देखना तो बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा नहीं। धन्यवाद।